फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। मैं सरोज पहाड़न, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों पूरा 4 बज चुका है और आज है 29 तारीख। आज यहाँ पर होता है बाजार बंद। तो सुबह से अपने काम धाम निपटाए, तो आज है मेरी भाभी का बर्थडे और हम अपनी भाभी को देने जा रहे हैं सरप्राइज़। उनको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं हम। कैसा रहता है सरप्राइज़, हम सारी फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं और अभी हमने उनको कुछ बताया नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं। तो इसी प्रकार मेरी ब्लॉग में बने रहें कि कैसा सरप्राइज़ होता है। हम मिल गए हैं हम सारे लोग सरप्राइज पार्टी वाले। यहाँ तो बड़ी बड़ी खुशबू आ रही है और क्या क्या रखा है यहाँ है। तो भी यही निपटा के इसी चक्कर में है यार। क्यों निपटा रही? अरे एक और मौका मिलता मेरे को ब्लॉग बनाने का मौका मिलता। क्यों लॉस करा रही है? खैर पता लग तो नहीं। मुन्ना भैया से कह रहे चलो कसम खाओ, सरोज का फोन आया था कि नहीं आया था? अब भैया ने कहा भाई मुझे कसम है मुझे तो नहीं आया था ना, ये तो कहा था। कैसे जा रहे हैं हम लोग, चुपके 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 जा रहे हैं कि भाभी देखे ना कहीं। उनका कुत्ता भौंकने लग गया पहले ही। अरे यार मोहित तो हो रहा है कुछ है। हैप्पी बर्थडे। सारा प्लान चौपट कर दिया यार। तेरे को मैंने बोला था ना खाली मिस कॉल करूंगी, इतनी बात करके भी। कौन बाहर बैठे थे तो मम्मी ने तुझे ही करा मैंने तो तभी तो अंदर आए कह रहा हूँ। अच्छा हैप्पी बर्थडे अगेन, ऐसा सरप्राइज बढ़िया लगता है। परी नानी को बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो। तो मेरी भतीजे की वो देखो कलाकारी, बहुत सुंदर वॉल पेंट कर रखा है इसने। बहुत सुंदर लग रहा है। और ये इसने एक छोटी सी वॉल अपने रूम में भी करी हुई है। गुड, मैं तो सोच रही थी कि वॉलपेपर लगा रखा है लेकिन इसने खुद से ये पेंट कर रखा है। वाओ ब्यूटीफुल। तेरे को कैसा लगा सरप्राइज? पर तेरे पे अकल नहीं है यार, मैं तो सोच रही तेरे ही पापा है ऐसा, तो अपने पापा से जा। 5-10 मिनट हो गए, मुझे बताओ मैं इनको अंदर कैसे रखा था। मैंने कहा था तो कुछ हिसाब से बोलना कि तूने ये पेंट ही कर रखा था कि मम्मी देखो मैं ये वाली वॉल पे भी कर लूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। कुछ भी बरगला देता अपनी मम्मी को, लेकिन चलो कोई नहीं, जो भी रहा है अच्छा रहा है। क्यों है तेरी मम्मी को ऐसी भेषभूषा में कहाँ से देखा था उन्होंने? ये भी तो जरूरी है, ये भी जरूरी है। क्योंकि कि ये आज कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आज कुछ नहीं कर रहे हो क्या गया है? अरे हमारी बात भाई, हमारी बात। वेला वेला, ये बहुत खतरनाक है हाँ, मैं तो इसके सामने भी नहीं जाती। वेला ए वेला वेला, एक कैंडिडेट और आ गई है। आइए आइए, आपका इंतजार है। नमस्कार नमस्कार। अरे यार वो अब हमारी होती ना, मैं बोल नहीं पाई। कैसे हो?
अरे नहीं प्रणाम प्रणाम। जब मैंने उसको कॉल करा तो वो सोई रखी थी उस टाइम पे। भाभी के बन रहे हैं गरम गरम पकौड़े। मैं तो मम्मी नहीं गया ब्लॉग में। क्यों निकाल तो दिए पकौड़ों के? देखे मन ललचा रहा है यार, पर मैं कैसे खाऊंगी हैं? अरे एक अगर मुंह में लग गया तो फिर तो कौन कर पा रहा है सब्र? फिर कुछ नहीं होता है। क्या बोल रहे तू? क्या क्या कौन है मिसिंग? नहीं तो जब तू फर्स्ट आई मैंने कैमरा बिल्कुल ऐसे कर रखा था। ये देख ऐसे ऐसा हो सकता है? परी हाय नानी बोल रहे। अरे यार तूने उसको डिस्टर्ब क्यों किया? क्या कर रही है नानी? क्या कर रही है भाई? अरे बता दे क्या कर लिया बोला तूने कि अंजू पाकिस्तान चली गई? मैंने कहा क्यों बोल रही तू ऐसा? बन गई है भाभी की चाय। आजकल पाकिस्तान की न्यूज बहुत सुर्खियों में। प्रीति अंशी लौड़ी जन प्रीति उन्हीं फोन आए होल देख लेते। ज्योति मौर्य कितने दिन तक हुई था मेरे घर पे, फिर से सीमा हैदर आई, फिर उसी पे था। आज फिर वो अंजू 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 सुबह से शाम तक अंजू अंजू मिल गई थी। आज मेरा बेटा खुद ही मतलब बोल रहा था कि ऐसे करो पापा पाकिस्तानी चले जाओ ना, एक बार खुश आ जाओ। बोलो उनसे कि आप क्यों गई हैं? ये इस टैटू में इसमें बुआरी का नाम लिखता है वही तो उसने ना उसने लिखा रखा था। तेरे को क्या बता इसके अंदर फिलअप किया है अंदर पेंट मरवाया लिखा था भाई नाम पहले फिल इन द ब्लैंक्स भाई क्या हो यो प्रेमा बेबी हम तेरे को बहुत मिस कर रहे हैं हैं अभी। हाँ यार उसको उसको वीडियो कॉल करो तो थोड़ा प्रेमा को साबी को भी बहुत मिस कर रहे हैं। खैर साबी को तो हम रोज ही मिस करते हैं। लो बच्चे होते बच्चे होते नाम हमारा डब्लू डब्लू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे। लो मैम इधर देखो 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 गजब बन रही है बन रही है। हाँ तीनों की तीन मैं मोस्ट ज्यादा मिल जाए इधर को इधर को इनके साथ। लो इधर देखो तीन के तीन तीन के तीन ये चार टाक हो मैम ही लगो मोसियत कर अरे ए मौसी रुक जा गो त्यो फोटो नहीं खींचो है जी क्यों चीजें कर रही है बिचारी रुक जाओ पंतर फुट पंतर भाई क्या लाइक है ओके ठीक है हो गया करो पे तो सिर्फ बात है बात करे ऐसी सास सुन बच्चा परी खाओ परी 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 खाओ आज खाता एक और चम्मच दो
नया फोटो खींच ले, फोटोग्राफर ठीक नहीं है, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है भाई। बाप रे, एक ही खींच पर अच्छी खींच। कितने फोटोग्राफर लगे हैं भाभी, देखो ए दो दो फोन पकड़े हुए हैं। मेरी निर्मला समझी कि लेनी है। मैं वीडियो बनाऊं भाई। नेहा फोटो क्लिक करो, मामा इधर देखो, स्माइल स्माइल। डेड का मैंने ना सोना मेन लगी भाई साहब, मेरा भैया भक्त है हनुमान भगत। जा गया मां, बावर बावर मत करो हां। हमने नया नियम निकाल रखा है, ये एक्टिंग वाला नहीं यार, एक्टिंग वाला नहीं फोटोग्राफी वाला। आप देखना आप सारे लोग ऐसे ही करेंगे अब। और इस लड़के के लिए हमको एक अच्छी सी लड़की चाहिए, तो अगर किसी की लड़की होगी तो प्लीज मेरे ब्लॉग के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करे। तो आप केक कट चुका है और अब आगे क्या होगा। तो आज सुनाई दे रहा है कि प्रीति मैडम भी पार्टी दे रही है, क्योंकि प्रीति पे हमारी पार्टी ड्यू थी, प्रीति का बर्थडे था और मेरा और प्रीति का बर्थडे सेम डेट में सेलिब्रेट हुआ, तो इसमें ड्यू था, तो ये यही लेके आई है सारा तामझाम। हाँ तो चल एक बार तुझे भी बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ केक सर्व होने की तैयारी हो रही है भाई, मुझे लिटिल देना ठीक है, इतना चलेगा। बा 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 खा पी के बचेगा भी ये, ठीक है हमको इतना चाहिए होगा भाई, ये दो मार के क्या। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम भाभी के घर में पूरा एक साल बाद आए थे, लास्ट हमारी किटी हुई थी पिछले इसी महीने, उसके बाद से हमारी किटी नहीं हुई है, तो आज हम लोग फिर एक साथ में हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। वैसे तो एक साथ होते हैं लेकिन कुछ चीज़ सेलिब्रेट करने वाली बात है, तो सेलिब्रेट हम आज कर रहे हैं पूरा एक साल के बाद, बहुत बढ़िया लगा। और ये लोग लगे हुए हैं अपना काम धाम में, अभी भाभी का गेटअप पूरा केक काटने के लिए चेंज हो गया है। बाप रे प्रभा को तुमने कम नहीं दे दिया क्या? पर भाई यार तेरे को बहुत कम देर का इन्होंने दे। अफसोस कि प्रीति क्यों सर्व कर रही है, लेकिन ये वाली पार्टी तो अब प्रीति की चल रही है। अरे वाह, वो तो नायरा वाला है, नो आइडिया, क्यों बता ना, फिर भी क्या क्यों पूछ रही है, तेरा कितना लिटिल खाना है देखो ये। देख रहे हो हैं क्या, मेरा खाना सेम परी को पास्ता फिर भी ज्यादा है। परी ए परी देख, हाँ पासवर्ड वही रहेगा इसका, 15ZL5374 के बाद 1 आता है। ठीक चलो बात करके बताओ जरा, अगर काम अभी हो रहा होगा तो, नहीं तो फिर मैं उसका यादव जी का भी बोलूंगा, इंडोस नंबर अगर काम हो रहा होगा तो ना। ठीक
कैसा रहा फिर जन्मदिन? कल था कैसा रहा? बढ़िया रहा फिर? ठीक रहा मतलब? चलो बढ़िया। ये बर्थडे मना रहे हैं आखिर बुआ लोग ना। तो भाभी भाभी के द्वारा विदेशी चॉकलेट। अरे तो अब तू विदेश से आया तो हमारे सब विदेशी है यार। वो ड्राई फ्रूट भी हम विदेशी बोलेंगे कि विदेशी आए। स्नेकर था उस दिन तो स्नेकर उस ब्लॉग में नहीं देखा बोलना। वो दूसरी थी, वो दूसरी थी यार, ये दूसरी है गैलेक्सी। बीबू नहीं बोलता पर बनोन आज ले जाता उसको। हाँ यही था ये स्नेकर। हाँ अबे एक प्रीति को भी दो, अबे एक प्रीति को दो। हाँ बस हो गया ना ना, खा लिया उन्होंने। अब अंदर की पार्टी हो चुकी है समाप्त, अभी बाहर में क्या करते हैं देखते हैं। आपने प्रिपरेशन भी कर ली है ना? आपने हमें गरम तो अब भाभी को दिया जा रहा है गिफ्ट। हमें बड़ा अच्छा लगा। भाभी कैसा लगा आपको? कैसा लगा पर आपको कैसा लगा? आपने तो बताया ही नहीं। हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सरप्राइज गिफ्ट भी अच्छा लगा। कैसे लगा? अच्छा आप लोग आए, एक साल से नवंबर से आज हो गए बैठना। बीता हुआ था जब इसका नाती आया था सरोज का, आज आप मेरे घर में आए, बहुत अच्छा लगा। पिछले साल इसी महीने में आए थे शायद सितंबर। थैंक यू आप सबका प्रेमा। उस दिन हमने आपके छत में ब्लॉग बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद गिफ्ट हेतु सरप्राइज के लिए सब। ओके जी ओके। हमारा चैनल सफल पढ़ाई कर देना, सब्सक्राइब कर देना। भाभी मिलते हैं लिटिल से ब्रेक के बाद। थैंक यू इसके लिए, थैंक यू। हाय मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये लोग गए, अब शाम को होगी पार्टी तो मिलते हैं वहाँ पे। वहाँ पर मिलते हैं पार्टी में छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी वही सोच रही थी कि लोग क्या बोलेंगे। राम गंगा अपने पूरे उफान पे नहाई है स्कूटी लेकर, हम लोग जाएंगे पैदल पैदल। हम लोग दुनारहाट के पुराने बाजार के रास्ते पैदल पैदल जा रहे हैं आज। यहाँ भी टाइल्स लग गई हैं। और ठीक ठाक आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ भी अच्छा हो गया, रास्ता नहीं हो गया। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ तो। क्या कह रहे हो? ना ना तब पैदल आना कहाँ होता है, तो पैदल आना होता ही नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ पे। अरे नहीं तो वो इनको बुला दिया। गाली खानी है क्या? और तीन सवारी आ रही है ऐसे। आओ हाँ आओ आओ। अब हम पहुंच गए हैं मेन्यू में, जहाँ चल रही है बर्थडे की डिनर पार्टी। कौन बोला है? क्या दोस्तों पहुंच गए हम होटल पार्वती इन। मुन्ना भैया क्या बोल रहा, क्या बोल रहा ब्लॉगर? पागल हूँ तब क्या? कौन लोग क्या बोल रहे? अच्छा अच्छा सुमन लगी है वहाँ खाना बनाने में। बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ ठीक से।
प्रणाम प्रणाम। और यह देखो पहुंच चुकी है बर्थडे उमेन बोले कि गर्ल बोले। नमस्ते। अब बच्चे पार्टी कहाँ है? नहीं आ रखे। यहाँ से हो रही है नेहा की एंट्री। काना, मिस्टर शाह, विभू आ जाओ वहाँ कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, मैं तुमको लेने यहीं तक पहुँच गई। हमारी गीताराम भी पहुँच गई। ये चिल्लर पार्टी भी आ गई। ए तुम कहाँ छुपे हुए थे? तुम ऐसे ऐसे क्यों आए तुम? मैंने कहा था अभी रुक जाओ, वेट, आंचल से नहीं हो रहा होगा ना, इंतजार नहीं हो रहा होगा। है बढ़िया बढ़िया। बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? अच्छा बता दे फिर भैया, वो है वो कस्टमर को तेल दियो तो उसका फायदा तो उठाएगी। मुन्ना भैया बड़े शांत शांत से क्या वॉच कर रहे हो? उधर वहाँ देखो मिस्टर साहब तारे गिन रहे हैं। यहाँ प्रीति और प्रभा की अलग चीजें हो रही हैं। सब सारे लोग अलग हैं। एक मेरा ये छोटा सा सब्सक्राइबर है, ये वो भाग गया है। बहुत सुंदर लग रहा है सलियाना बैंड। तो ये देखो क्यूट सी बर्थडे गर्ल। भाभी का ये दूसरा केक कटेगा दुकान स्टाफ की तरफ से। और नेहा, हैप्पी बर्थडे आपका है। Happy birthday to you। अब आगे की लाइन आप बोलो। बोलो। बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू, होते नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और धनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। वो तो आज भी कह रही है। अब बच्चे होते ना हम चुंचु भी मार दिया। वो अब भी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे। लग गया विभू, बोल रहे थे कि 50 मार है। 50 नहीं है विभू। चलो काटो केक यार, केक काटूंगी मैं, पर मुंह मत। अब इस टाइम नहीं पतोड़ेंगे। चलो मां भी बोलने चाहती है आ जाए कोई, मतलब डार नहीं लगना जी, बस बिल्कुल हाफ सेंचुरी मार दी काहे की। नहीं नहीं नहीं, बहुत सुंदर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी। मास्टर साहब क्या हो गया? मास्टर जी सुन ले गुरु जी, मेरी खुशी कर लो ये दिन चौपनी, उठे बस तो उठे के मामी का कर दो गाना। हाँ बोलो मास्टर जी सुन ले गुरु जी, मेरी खुशी कर लो ये
बस तल के चल दी कह दी हुए जो उड़न छू। अरे बीबू अब इस टाइम सारे बच्चे खिलाएंगे ठीक है? ना ना बच्चों को मैं खिलाऊंगी। अच्छा परेशान हो गई यार बस बस इतना ही निकालो बाकी वैसे देंगे बच्चों को वो उसको उधर कर दो साइड। चलो बच्चों चलो बच्चों वहीं पे रहो ना वहीं रहो भाई वहीं रहो जाओ जाओ सारे बच्चे जाओ बड़े बच्चे अभी थोड़ी देर में पहले छोटे हम तो खिला चुके हैं ये बड़े बच्चों में गीता भी है ठीक है। तो भाभी ने बहुत केक खा लिया है और भाभी कह रही है कि मैं बच्चों को खिलाऊंगी तो ये भी अच्छी बात है। बीबू तुम भी जाओ मामी खिलाने के लिए केक। जय बीबू जय बीबू। अरे एक भाई आए हैं बीबू गीता गीता बीबू बीबू आ जा बीबू जाना बीबू 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 प्रभा का बेटा प्रभा का बेटा गीता राम आ जाओ मेरा आज का थोड़ी वो चल रहा है ना आप भी चलो कब्बू कब्बू रिया कब्बू जरिया तुम भी जाओ भाई पड़ोसी जाओ जाओ। अच्छा तुम उल्टे खिला चुके ये तो उल्टा सीन हो रहा तुम भी खिला दो भाभी को ये कितना अच्छा गाना है चलो एक बार सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं डायरेक्टर आप डायरेक्टर सीधे हाथ कर लो आप भाई कोई दिक्कत नहीं है राइट इस तरफ को पढ़ी ना उस तरफ चलो ये सारे बड़े पढ़ने को मिल चांद और यहाँ पे हो रही है रील बनने की प्रिपरेशन। भाभी तारे गिन रही क्या चुप की हुई है तुम भी एक्टिंग करो ना मामी हम दोनों नहीं ऐसा भी नहीं बनना है। और ये खाना हो गया है रेडी भाभी खुद ही सर्व कर रही है तो ये सज चुकी है थाली खाने में है दाल यहाँ पे पनीर यहाँ पे सब्जी मिक्स सब्जी और रोटी खाना खाना और जो अच्छा भी लगे। ये है हमारे वीआईपी गेस्ट सबसे पहले इन लोगों की प्लेट लगी है तो वीआईपी गेस्ट हैं हम आप लोग हमारे एक वीआईपी और आ गया। हाँ तो ये वीआईपी टेबल है ना ये सारे सबसे पहले तुम लोगों को खाना लगाया तो वीआईपी हो तुम लोग और एक और वीआईपी आ गई हमारी तो ये छह लोग जो वहां के हैं वीवीआईपी। चलो भाई कैसा कैसा स्वाद है खाने में कैसा स्वाद है बताओ ऑसम कक भैया सो आवाज है ए टुक टुक अब हम लोगों की भी प्लेट लग चुकी है
इस पार्टी की सबसे दुबली पतली लड़की, सबसे लास्ट तक इसने अभी तक खाना नहीं खाया, बेचारी अभी तक दूसरी रोटी खा रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देख रहा सब तेरी सेवा कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो भाभी कर रही है आइसक्रीम सर्व। मेरी आइसक्रीम कहाँ है भाई? थैंक यू। नहीं नहीं, सबको सबको पूरे हो गए ना। अभी वो भी तो है, वो रील बनाने वाले जिनकी रील बन रही है। आइसक्रीम मजे करो, ऐश करो। नई रेसिपी देखो, गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम मिला के, रियल में बहुत टेस्टी होता है भाई। अरे आपने वो ना, वो भैया ने बोला थे, ला मुझे भी दे भाई, मुझे भी दे भाई। ये बेचारी रिकॉर्डर हमारी, ये लड़की बेचारी रिकॉर्डर है, हमेशा बेचारी परेशान रहती है रिकॉर्डिंग बनाने में। तो दोस्तों फाइनली हमारा डिनर भी हो चुका है और बहुत ही स्वादिष्ट डिनर था। और सब लोगों से पूछे कैसा लगा भाई सबको, और मामी जी तो ऐसी चमक रही हैं, क्या ही बोले, मतलब हुस्न की परी, हुस्न परी। तो इस ब्लॉग को, तो मौसी मौसी के ब्लॉग को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। तो मौसी लास्ट वाला अपना बोल दो, क्या बोल दो लास्ट वाला जो आपका लोगो है, मतलब कुछ बोलना ना। जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों, हर हर।